दर्शन नहीं करा तो ये गला जो नहीं जानते हो तो कुछ भी बोल सकते हैं। कहाँ से आए हैं? सबसे पहले आपका परिचय दीजिए और कहाँ से आए हैं? हम बिहार से आए हैं, मेरा नाम रघुनाथ सहनी है, समस्तीपुर। यहाँ पर कब से हैं? आज आए हैं। आज पहुँचे हैं तो पूजने गुरुदेव सरकार के आपको दर्शन हुए या नहीं अभी तक? हमें तो पूरे टीम का दर्शन हुए, गुरुदेव का पूरा टीम का ही दर्शन हुए हैं। जो हिंदू राष्ट्र किस प्रकार बन सकता है जो गुरुजी का सपना है? ये तो हमारा हिंदू राष्ट्र पूरा राम राज्य होगा ही। आप अपनी राय रख सकते हैं किस प्रकार बन सकता है जो गुरुजी का सपना है ना? गुरुजी का सपना जो है वो राम राज्य तो होगा ही, ये तो पक्की है। मैं तो ऐसे ही चल दिया, पैसे मेरे पास नहीं होते हैं, ऐसे ही चल। बागेश्वर धाम से आप कब से जुड़े हैं? मतलब हम तो इससे पहले दो एक डेढ़ महीना पहले लिंकुंड का आया था, स्वयं अपने आए थे बागेश्वर बाबा जो धीरेन्द्र कुमार शास्त्री गुरुदेव हैं, उस स्वयं आए थे और तंत्र के कला में हमें रास्ता बताए। तो एक जगह मैं गया उसको रोकने के लिए, हमारी कोई हेल्प नहीं करता है, मैं तो गुरुदेव का ही कृपा से चलता हूँ बस। उन्होंने चमत्कार करते हैं आपको, मतलब क्या क्या चमत्कार करते हैं, आपको विश्वास है? पूर्ण, मैं तो देखा हूँ, टीम है उनका पूरा टीम मेरे पास आए हैं। मैं तो अलग सोता हूँ जंगल के साइड में, और जहाँ पर रहते हैं वहाँ तंत्र का बहुत ज़्यादा अधिक खेला होता है, लेकिन उससे मैं घबराता नहीं। कई बार मारने का लोग प्रयास किया, लेकिन जब गुरुदेव महाराज मेरे साथ हैं तो कौन क्या कर लेगा। और बागेश्वर धाम के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये तो बहुत लंबी चौड़ी पूरे देश में खिलेंगे और खिलते रहेंगे, कोई रोक भी नहीं सकता है। जो बागेश्वर धाम का विरोध करते हैं, अंधविश्वास फैला रहा है, ये गलत कर रहा है, ये इसके बारे में विरोधियों के बारे में क्या कहना चाहोगे? विरोधी के बारे में हम क्या कहेंगे, विरोध तो जो फैलाते हैं वो तो खुद अंधविश्वास में है। विश्वास रख के एक बार ध्यान तो लगा के देखे, बागेश्वर बाबा के दर्शन होंगे। जो खुद अंधविश्वास में हो दूसरे को क्या कह सकते हैं? अब हम दर्शन किए ही नहीं तो कैसे जानेंगे? विश्वास अंदर रहेगा तब तो दर्शन होंगे। आप जुड़े हुए बागेश्वर धाम, आपके जीवन कोई परिवर्तन हुआ, कुछ लाभ हुआ? हमें तो लाभ ही लाभ है। क्या क्या चमत्कार हुए आपके जीवन में? मेरे जीवन में चमत्कार यही हुआ जो आज से चार रोज पहले बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कुमार शास्त्री गुरुदेव पूरे टीम मेरे पास पहुँचे और प्रेरणा हुआ। मैं वहाँ से छटपटाते हुए, मेरे पास पैसा नहीं होता, मैं सन्यासी हूँ, नहीं खाने को सोचना पड़ता है, कभी दो दो। सीताराम साधु जो, जान आपको कैसा लगा यहाँ पर आके? बहुत अच्छी, यहाँ की महिमा देखकर आपको महिमा जब वहीं से दिख जाता है तो यहाँ आते कितना दिखेंगे। जो लोग नहीं जुड़े हैं उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? जो नहीं जुड़े उनके बारे में जुड़ना चाहिए, यहाँ से जो जुड़ेंगे हर दुख तकलीफ दूर होगा, ये पक्का 100% है, कैसा भी दुख हो दूर होगा। अच्छा ये बताइए, बहुत सारे लोग का ये कहना है कि बाबा पाखंड करते हैं, भ्रम फैलाते हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं, क्या आपका राय है? पाखंड भ्रम, जो नहीं जानते हो तो कुछ भी बोल सकते हैं। लोग कहते हैं ना पाखंड ये फैला रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे साथ अगर बागेश्वर बाबा हैं, मेरे गुरुदेव महाराज हैं, तो मैं कहता हूँ मेरे साथ दो महीना रहे, बागेश्वर बाबा से दर्शन हम कराएंगे। विरोधी लोग हैं या कोई साजिश करने वाले लोग हैं, चाहे जो भी हो मेरे पास आए और मेरे साथ रहे, दो महीना के अंदर दर्शन नहीं कराया तो ये गला काट के अलग कर लेंगे। बोले बागेश्वर बालाजी की जय। सीताराम सीताराम साधु जी साधु जी। चलो बढ़िया लगा आपसे मिलकर, ठीक।